सुनो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडजस्टेड कैपिटल एडजस्टेड, और कैपिटल एडजस्टेड हम लोग दो प्रकार से निकालते हैं, न्यू पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालना। तो कब हम लोग ये इसका यूज़ कब हम लोग करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल और प्रॉफिट दिया हो, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हो और ये कहा जा रहा हो कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करें, तो हम लोग इस स्टेप का यूज़ करेंगे, जबकि फर्स्ट मैंने मिटा दिया है। और ये यूज़ कब करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हो, तो पुराने साझेदारों के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर न्यू पार्टनर का कैपिटल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल दे दे तो ये मेथड, और न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दे, निकालना हो तो ये यूज कर लेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन को ले लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का ए, क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का ए, ए और बी लाभ हानि को तीनों के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। सभी समायोजनाओं के पश्चात ए और बी की पूंजी 1,60,000 और 1,20,000 है। वे सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, जो लाभ में 1/5 हिस्से के लिए ए और बी से बराबर बराबर क्रय करता है, 70,000 रुपया पूंजी के रूप में लाता है। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित करें। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित करें, इसका मतलब ये हुआ नए साझेदार का कैपिटल दे रखा है, नए साझेदार का कैपिटल दे रखा है और कह रहा है कि इसके आधार पर पुराने साझेदारों का कैपिटल निकाले, एडजस्ट करें। तो इसके लिए स्टेप वन में हमें नए साझेदार के कैपिटल के आधार पर पूरे फर्म का कैपिटल निकालना होगा। फिर स्टेप टू में हमें क्या करना होगा, उस कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल लें। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली, वन इज टू वन। ए सेक्रीफाइस, ए का त्याग, 1/5 का 1/2, 1/10। बी सेक्रीफाइस, 1/5 का 1/2, 1/10। चलो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया और बी ने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया, न्यू रेशियो निकाले। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड हो गया 3/5 और सेक्रीफाइस 1/10, 5/10 का एलसीएम 10, 6 - 1, 5/10 ए का न्यू रेशियो। बी का न्यू रेशियो हो गया 2/5 ओल्ड माइनस 1/10, 5/10 का एलसीएम 10, 4 - 1, 3/10 एंड सी, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया छोरा वही सी को मिला, ये दोनों को जोड़ दो, 1/10 + 1/10, 1 + 1/10 बराबर 2/10, न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3:2, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। 10 10 10 सबके नीचे मैं हटा दो,
चलो सबसे पहले जब आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हुआ रहे तो हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। ये हो गया आपका न्यू रेशियो, ठीक। अब मैं उसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, ठीक। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर नहीं न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर फर्म का टोटल कैपिटल निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 के ए में नया साझेदार कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, 70,000 1/5 हिस्से के लिए। सी डाउट कैपिटल ₹70,000 फॉर 1/5 शेयर, देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 70,000 × 5, ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। ₹350,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। सी ब्राउट कैपिटल ₹70,000 फॉर 1/5 शेयर। सी ने 1/5 हिस्से के लिए 70,000 कैपिटल लगाया, 1/5 हिस्से के लिए 70,000, तो पूरे हिस्से के लिए देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरे हिस्से के लिए फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 70,000 × 5 ऊपर और एक नीचे ₹350,000। ये टोटल कैपिटल निकला। स्टेप वन में मैंने बताया था टोटल कैपिटल निकालना। अब टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटो। ए इज न्यू कैपिटल 350,000 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 75,000। एक मिनट, ₹1,75,000। बी इज न्यू कैपिटल 3,50,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 1,05,000। एंड सी इज न्यू कैपिटल 3,50,000 इंटू 2/10 70,000। वैसे भी सी के बारे में तो मालूम ही है, तो सी का कैपिटल तो ऑलरेडी 70 था और सी के ही आधार पर ए और बी को एडजस्ट किया गया था। तो नया कैपिटल सी का 70 और सी वैसे भी नया साझेदार है, तो सी 70,000 लेकर के आया है। इसके आधार पर ए को रखना है 1,75,000 और बी को रखना है 1,05,000, ठीक। ये न्यू कैपिटल हो गया। चलो अब हम लोग इसका कंपेयर करेंगे ओल्ड कैपिटल से। तो इसका कंपेयर हम लोग जो करेंगे ओल्ड कैपिटल से, आप देख रहे हो आप अपने क्वेश्चन में ए का ओल्ड कैपिटल 1,60,000 है, ए का कैपिटल 1,60,000 है और रखना है 1,75,000। ए का कैपिटल पहले से था 1,60,000 और रखना है 1,75,000। इसका मतलब है कि 15,000 ए घर से लेकर आएगा। ₹1,75,000 − ₹1,60,000 = ₹15,000 एक घर से लेकर के आएगा। बी बी का कैपिटल है 1,20,000, पहले से था और रखना है 1,05,000। बी 15,000 निकाल करके ले जाएगा। 1,20,000 − 1,05,000 = ₹15,000 यानी ए लाएगा और बी निकाल कर ले जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने कितने स्टेप लिए हैं।
सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकाल लो। यदि आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो फर्म का नहीं दे रखा है तो न्यू रेशियो पहले निकालो, ये काम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। जब आप न्यू रेशियो निकाल लेते हो, जब आप न्यू रेशियो निकाल लेते हो, फिर आप स्टेप वन, ये स्टेप वन है, मैंने सी नया साझेदार, सी के कैपिटल के आधार पर, सी के कैपिटल के आधार पर मैंने पूरे फर्म का टोटल कैपिटल निकाला। फिर मैंने स्टेप टू किया कि उस न्यू कैपिटल को पूरे साझेदारों के बीच में बांटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर। यानी अब आप इसको काटोगे ना, रेशियो निकालोगे, 175,000, 105,000 और 70,000 का रेशियो निकालोगे तो आएगा 5-3-2। काट करके देख ले, रेशियो निकाल करके देख ले, इसका निकलेगा 5-3-2। ठीक, इसका मतलब कैपिटल अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर में हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि पहले से कैपिटल ए का कितना था, अब कितना रखना है फर्म में। तो पहले से 160,000 था, अब रखना 175,000, तो ए 15,000 रुपया घर से लेकर फर्म में आएगा। बी 105,000 रखना है, दिस इज द न्यू कैपिटल, इतना रखना है। और 120,000 बी का कैपिटल पड़ा हुआ था ऑलरेडी पहले से, तो बी 15,000 रुपया लेकर जाएगा। और सी की बात करो तो सी तो पहले से पार्टनर था नहीं, सी इज द न्यू पार्टनर, तो सी एक नया साझेदार है, वो लाने और ले जाने वाली बात नहीं करेगा, वो तो ऑलरेडी 70 लेकर के आया है और 70 रखना भी है। चलो, ये था आपका न्यू पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर। मैंने न्यू पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल 70,000 के आधार पर मैंने सारे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट किया। अब हम लोग सेकेंड नंबर में सीखेंगे कि ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर न्यू पार्टनर का कैपिटल ज्ञात करेंगे, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हो। और क्वेश्चन नंबर 41 का बी और 41 का सी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो फिलहाल मैं 41 का सी बना दे रहा हूं, 41 का बी ऑलरेडी आप लोग बना लेंगे। चलो, सेकंड में मैंने बताया था कि जब न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना हो और कैपिटल एडजस्ट करना हो तो हम लोग सेकंड वाले मेथड का यूज़ करते हैं। 41 का सी सेकंड मेथड पर ही है। ए और बी एक पार्टनर है जिसकी पूंजी 1 जनवरी 2009 को क्रमशः 13,000 और 11,000 है। दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए का एडजस्टेड कैपिटल 13,000 और बी का एडजस्टेड कैपिटल का मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल 11,000 है। सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी बनाया और यह नया साझेदार पुराने साझेदारों के ज्वाइंट कैपिटल के आधार पर अपना कैपिटल लेकर के आएगा। नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित कीजिए। ठीक, फोर्टी वन का सी में सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ करके टोटल कैपिटल निकालते हैं। एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 13,000 प्लस 11,000 24,000 रुपया।
टोटल एडजस्टेड कैपिटल 24,000 रुपये। अब यहाँ पर ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल निकल गया, कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट कितना होगा? ये कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का, ये ए और बी का कैपिटल हो गया। अब ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा? तो लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपया, माना कि पूरे फर्म का लाभ बराबर 1 रुपया, और 1 रुपया में से यदि सी का हिस्सा घटा दे, 1 रुपया में से यदि सी का हिस्सा घटा दे 1/4, पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया माना गया, और 1 रुपया में से यदि सी का हिस्सा घटा दे, ये सी का हिस्सा है तो सी का हिस्सा घटा देंगे तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो ए और बी का बचेगा, वो ए और बी का बचेगा। 1-1/4 बराबर 3/4, क्लियर है? तो ए और बी का टोटल कैपिटल कितना? 24,000। ए और बी का फर्म में प्रॉफिट कितना? 3/4, 3/4। ये ए और बी का प्रॉफिट कंबाइंड प्रॉफिट है, एक में से सी का हिस्सा घटाया, पूरे फर्म के लाभ में से सी का हिस्सा घटाया तो ए और बी का लाभ का हिस्सा बचा। चलो अब इतना हिस्से के लिए इतना कैपिटल, 3/4 हिस्से के लिए 24,000 कैपिटल। व्हेन प्रॉफिट 3/4, जब लाभ 3/4 है देन कैपिटल 24,000। 3/4 प्रॉफिट है तो इसके लिए कैपिटल कितना कैप करना पड़ा, रखना पड़ रहा है 24,000। तो यदि सी का प्रॉफिट 1/4 होगा, सी का प्रॉफिट 1/4 होगा तो कैपिटल कितना रखना होगा एक्स, जरा ध्यान दे, 3/4, इसको आप लिख भी सकते हो, लिख करके बना सकते हो कि 3/4 लाभ के लिए, फर्म के 3/4 लाभ के लिए ए तथा बी का टोटल कैपिटल 24,000, तो सी के 1/4 भाग के लिए सी का कैपिटल कितना एक्स, इतना के लिए इतना, तो इतना के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, निकालेंगे एक्स बराबर 24,000 इंटू 1/4, 24,000 इंटू 1/4 डिवाइड 3/4, 3/4 जो यहाँ पर करोगे तो ये ऊपर में आ जाएगा 4, 4 कैंसिल हो गया, 8,000। यानी सी को कैपिटल कितना रखना है 8,000। ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल दे रखा था, सी का कैपिटल कितना निकला 8,000। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए और बी का 24,000 है एडजस्टेड कैपिटल और सी का कैपिटल कितना है 8,000। ये ए और बी का है और ये सी का है, तो 24,000 और 8,000 को काटेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, ए का कैपिटल 13,000 और बी का कैपिटल 11,000, ए और बी के बीच में जो रेशियो निकालेंगे वो नहीं आ पाएगा। ए और बी के बीच का जो रेशियो है बराबर के साझेदार है, ए और बी बराबर के साझेदार है, इसका मतलब ए और ए का कैपिटल, अब यहाँ पर देख लो 24,000 में ए का कैपिटल 13,000 और बी का कैपिटल 11,000, ये 24,000 में ए का कैपिटल 13,000, बी का कैपिटल 11,000 और सी का कैपिटल निकला 8,000। क्या ए और बी का कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग है? ए और बी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब बराबर बराबर, तो क्या उसका कैपिटल इक्वल है? तो कैपिटल को भी इक्वल करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए जरा सा, ये सी का कैपिटल तो निकल गया आपको, क्वेश्चन नंबर 41 का यदि बी बनाते हैं, तो आप नया साझेदार का कैपिटल निकाल लो, यहीं तक है। लेकिन नया साझेदार का कैपिटल निकालने के बाद भी आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसके आधार पर पुराने साझेदारों का कैपिटल एडजस्ट करो, जरा देखिए कैसे होगा।
यदि हम ओरली बात करें तो मुश्किल से एक मिनट का टाइम लगेगा, मुश्किल से एक मिनट का टाइम लगेगा अब खुद समझने में। चलो यहाँ पर ए का कैपिटल कितना है 13,000, बी का कैपिटल कितना है 11,000, ए और बी दोनों का कैपिटल कितना हो जाएगा 24,000। ठीक, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। इसका मतलब टोटल कैपिटल को यदि इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो ए का न्यू कैपिटल चौबीस हजार इंटू वन बाई टू, 24,000 को इक्वल कर दो तो ए का कैपिटल हो जाएगा 12,000। ठीक, और बी का न्यू कैपिटल हो जाएगा 24,000 इंटू वन बाई टू बराबर 12,000। ठीक, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि पुराने साझेदारों के कैपिटल के आधार पर नए साझेदार के कैपिटल के आधार पर पुराने साझेदार का कैपिटल एडजस्ट करना है। इसका मतलब है कि अब हम फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे जो कि 41 के ए में अपनाए थे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन को आप इसके आधार पर सॉल्व करते हो तो ए और बी का कैपिटल सिर्फ एडजस्ट होगा, यदि हम सी को लेकर के आएंगे तो फिर ए बी के साथ सी का कैपिटल एडजस्ट नहीं हो रहा, अलग अलग निकलेगा। इसलिए हम लोगों को अब फिर से वही काम करना है, न्यू कैपिटल निकालना है नए साझेदार के आधार पर। अब देखो जरा सा, ए का कैपिटल हो गया आपका 13,000, बी का कैपिटल हो गया आपका 11,000 और सी का कैपिटल हो गया 8,000। ठीक है, अब यहां पर ए बी के साथ सी का तो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो इक्वल है। ए और बी के बीच का जो कैपिटल है वो मतलब प्रॉफिट शेयर इक्वल है, तो कैपिटल भी इक्वल आना चाहिए। तो कैपिटल इक्वल लाने के लिए हम लोग लिखेंगे कि ए तथा बी का कंबाइंड कैपिटल 13,000 प्लस 11,000 बराबर 24,000। एज न्यू कैपिटल, देखो तो मार्कर होगा उस रूम में, एज न्यू कैपिटल 24,000 इंटू 1/2 बराबर 12,000 और बीज न्यू कैपिटल 24,000 इंटू 1/2 बराबर 12,000। यहां पर खुद आप कंपेयर कर लो, ए का कैपिटल कितना था 13,000, रखना है कितना 12,000, यानी ए 1,000 रुपया फॉर्म से निकाल करके ले जाएगा, ए 1,000 रुपया फॉर्म से निकाल कर ले जाएगा। बी को देखो, बी को 12,000 रखना है जबकि था कितना 11,000, बी 1,000 रुपया घर से लेकर आएगा। करेक्ट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41 का सी। और सेम टू सेम यदि 41 का बी बनाते हो तो सिर्फ नए साझेदार का कैपिटल निकाल करके छोड़ दो, शायद यही तक आंसर पूछ रहा है।
वैसे बना करके देख लेना। 41 के बी में वो पुराने साझेदारों का कैपिटल एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि 41 का सी में कह रहा है कि नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों का कैपिटल एडजस्ट करें, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। ये तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, 41 का ए, 41 का बी, 41 का सी। अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये सीखना होगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन डेला होगा।